बरसात के आते ही सांपों द्वारा काटे जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। ऐसे में झाड़ फूंक के चक्कर में फंसकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में रोजाना 3 से 4 सांप द्वारा काटे जाने के मरीज भर्ती हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जहरीले सांप के काटे जाने पर मरीज को झाड़ फूंक के बजाय तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। दरअसल बरसात के मौसम में सांपों के प्राकृतिक बिलों में पानी भर जाता है, जिसके चलते सांप सूखा और सुरक्षित स्थान तलाशते हैं। ऐसे में सांप लोगों के घरों और सूखे स्थानों में छिपकर बैठ जाते हैं। खतरा लगने पर सांप लोगों को काट लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मौसम में सांप बेहद गुस्से में होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा से ज्यादा जहर उगलते हैं। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में रोजाना 3 से 4 मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्हें जहरीले सांप ने काटा है। अब तक कई ऐसे लोगों की मौत हो चुकी है जो झाड़ फूंक करवाने के चक्कर में जिंदगी को बचाने का वक्त निकाल देते हैं। सांप के काटे जाने का इलाज करवाने वाले डॉक्टरों का कहना है कि सांप के काटने के बाद अगला 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर मरीज तय वक्त पर अस्पताल पहुंच जाए तो उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। जी, यहाँ पर हमारे अस्पताल में काफ़ी केसेस आ रहे हैं। इस वक्त हर दिन 2 से 3 केसेस आ जाते हैं इस तरीके के। और अगर सांप काटने की स्थिति में जल्दी से जल्दी यही राय दी जाएगी कि अस्पताल पहुंचा जाए। वहां पर एक विशेषज्ञ डॉक्टर के अंडर में उसके सभी साइन सिम्टम को देखते हुए तुरंत इलाज की सुविधा है। और यहां पर हर सरकारी अस्पताल में ASV उपलब्ध है, एंटी स्नैक वैन जो होता है वो हर जगह उपलब्ध है। तो जितनी जल्दी से जल्दी उसके साइन और सिम्टम को देखते हुए इलाज शुरू किया जा सके वो उसकी जान बचाने के लिए सबसे अच्छा है। और वहीं सांप से जुड़े जानकारों का ये भी कहना है कि 95% सांप जहरीले नहीं होते हैं, जबकि 5% सांप जहरीले होते हैं, जिनके काटने से देरी होने पर मौत हो सकती है। फिलहाल सांप के काटने पर झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ने की बजाय मरीज को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की बात डॉक्टर कर रहे हैं। और वो किसी तरह की झाड़ फूंक और बिरवा वगैरह चक्कर ना पड़े, जिससे टाइम खराब होता है और मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता।